इस समय मॉनसून मध्य पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों पर सक्रिय हुआ है और मॉनसून का प्रदर्शन और प्रभाव काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है दक्षिण भारत के राज्यों पर, मध्य भारत के राज्यों पर और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत पर मौसम में एक बड़ा बदलाव यह है कि लगातार गर्म हवाएं पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, जिससे मौसम जो है वो साफ हो चुका है। हालांकि कुछ जगहों पर बादल बनते हैं लेकिन बारिश नहीं देते, आंधी तूफान चलता है लेकिन कोई भी आसार नहीं बनते बारिश को लेकर राजस्थान के इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों पर। तो आइए जानते हैं कि किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन रहेगा संपूर्ण भारत में अगले 10 दिन, क्या बारिश होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों कल भी मैंने आपको अपडेट दिया था और बताया था कि आगामी समय में परिस्थितियां बदलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र यानी कि एक लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आएगा और ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, यानी कि ये सिस्टम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के भागों की ओर बढ़ेगा, जिससे ये सिस्टम काफ़ी उग्र बारिश की गतिविधियाँ मध्य भारत के राज्यों में देगा। फिलहाल बात करते हैं कि 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में संपूर्ण भारत में किस तरह का मॉनसून का प्रदर्शन रहेगा, क्या बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ दोस्तों सिस्टमों की क्या संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर भी सिस्टम बनेंगे और भारत के ऊपर भी सिस्टम रहेंगे, जिससे बारिश को लेकर क्या उम्मीदें बढ़ेगी देश में, इसके ऊपर नजर डालते हैं। एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ लगातार फिलहाल मध्य भारत के राज्यों से होकर गुजर रही है, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों से होती हुई मध्य प्रदेश के भागों से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को पार कर रही है। उम्मीद यह है कि 11 जुलाई तक ये परिस्थितियां नहीं रहेगी, क्योंकि मॉनसून की एक्सिस ट्रफ अब धीरे धीरे जो पूर्वी सिरा है मॉनसून की ट्रफ का वो हिमालयी क्षेत्रों पर शिफ्ट होगा, यानी कि उत्तर की ओर लगातार पड़ेगा, जिससे उम्मीद ये नजर आ रही है कि ये सिरा जो है वो उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत की ओर चला जाएगा, जिससे बारिश की गतिविधियाँ अब उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आएगी इस दौरान। फिलहाल बात करते हैं 11 जुलाई से बारिश की संभावनाओं की। तो दोस्तों 11 जुलाई को परिस्थितियां पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर नजर आ रही है। इसके अलावा बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में, यानी कि अगर हम देखें तो झारखंड के कुछ उत्तरी जिलों में, इसके अलावा बिहार के तो अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पटना, गया, भागलपुर समेत आसपास के कई इलाकों में, कई जिलों में मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तो आपको यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल है, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों में भी बारिश होगी और उत्तराखंड, साथ ही साथ हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है 11 जुलाई को। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां फिलहाल मध्य भारत की अगर बात की जाए तो गुजरात के तमाम उत्तर पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी जिलों में भी बारिश होगी, चूंकि सूरत, वलसा, नवसारी, अहमदाबाद और इधर वेरावल, राजकोट और जामनगर समेत आसपास के जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन से लेकर दक्षिणी जो जिले हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा 11 जुलाई को उम्मीद यह है कि तमाम महाराष्ट्र के इलाकों में, विदर्भ में, कोंकण, गोवा में मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है उत्तरी इलाकों में और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में। इसके अलावा कर्नाटका के मध्य क्षेत्र में यानी कि सेंट्रल कर्नाटक में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश की संभावना और उम्मीद फिलहाल अगर हम देखें तो पंजाब, न हरियाणा और न दिल्ली, तमाम जगहों पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं पहुंचेगी, जिससे यहाँ पर सूखे के हालात बनेंगे। हालांकि उम्मीद यह है कि जब राजस्थान की तरफ से यहाँ पर नमी की हवाएं पहुंचेगी तो हो सकता है कि कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बादल बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिल्ली पर भी नमी की हवाएं पहुंच सकती है, जिससे उम्मीद हम हल्की फुल्की बारिश की कर सकते हैं, बादल आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीदें फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन रहेगा 12 जुलाई को। दोस्तों अगर कंडीशन को देखें और मॉडल मैप को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की गतिविधियां और संभावना देश के कई राज्यों पर बढ़ रही है। उम्मीद और संभावना यह है कि बंगाल की खाड़ी से तमाम हवाएं जो है नमी की वो उत्तर प्रदेश के ऊपर बनेगी, क्योंकि मॉनसून की एक्सिस ट्रफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय होगा। इन्हीं दोनों सिस्टमों के चलते बारिश का उग्र प्रभाव और प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में रहेगा। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या से लेकर दिल्ली से सटे हुए तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर से लेकर इधर रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट तमाम जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो कुछ परिस्थितियां अब मध्य प्रदेश के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी, यहाँ पर जो खंड वर्षा की गतिविधियां हो रही थी वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, बादल आएंगे बंगाल की खाड़ी से और भारी बारिश देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश होने की संभावना है, जबलपुर से दक्षिण में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा बारिश का। इसके अलावा फिलहाल पश्चिमी मध्य प्रदेश में इतनी बारिश की उम्मीदें नहीं है, आप देख सकते हैं थोड़ा मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश, कुछ इलाकों में तेज बारिश भी कुछ समय के लिए हो सकती है। लेकिन गुजरात की बात की जाए तो आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में मध्यम से भारी तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना में
नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के तमाम पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की बारिश होने की संभावना है। 13 जुलाई की बात करते हैं, किस तरह का मॉनसून का प्रदर्शन है 13 जुलाई को, तो आप देख सकते हैं बारिश लगभग लगभग भारत के अधिकांश राज्यों पर हमें नजर आ रही है, लेकिन ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये उतनी फेवरेबल नहीं हो पा रही है क्योंकि हवाएं तो बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर राजस्थान के एक बड़े हिस्से पर मौसम धीरे धीरे बदलेगा। हालांकि यहाँ पर अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 13 जुलाई को उम्मीद है कि खंड वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसमें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर से लेकर जयपुर, साथ ही साथ इधर भीलवाड़ा, कोटा तक फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना, ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन भारी वर्षा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के भागों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार सिस्टमों का प्रभाव और हवाएं जो है वो लगातार दिल्ली पर पहुंचेगी, जिससे दिल्ली पर मूसलाधार बारिश होगी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते ये बारिश का सिलसिला यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में, इसके अलावा हिमाचल के भी उत्तरी भागों में लैंडस्लाइड की गतिविधियां हो सकती है, तो यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता आपको रखनी होगी। इसके अलावा बारिश का प्रभाव मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और तेलंगाना के भागों पर नजर आएगा, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में, इसके अलावा आसपास के तमाम क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है, यानी कि भारत के अधिकांश भागों पर झमाझम बारिश का प्रभाव रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में तो उन्होंने बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा 14 जुलाई की स्थिति की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से हवाएं जो है वो यूपी, बिहार पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत पर भी हवाओं का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमें नजर आ रहा है, तो इसी सिस्टम के चलते उम्मीद और संभावना यह है कि तमाम जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के अधिकांश दक्षिणी पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचेगी जिससे यहाँ पर मौसम खराब होगा। इसके अलावा बारिश की तमाम संभावनाएं जो है दक्षिण भारत पर भी रहेगी, तमाम जगहों पर मूसलाधार बारिश होगी। खासतौर पर मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हाई टाइड का खतरा और भारी बारिश होने की आशंका में नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें गुजरात की या फिर आसपास के इलाकों की, तो गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, खंड वर्षा कई जगहों पर होगी, हालांकि मौसम यहाँ पर ठंडा बना रहेगा। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मॉनसून का प्रदर्शन 14 जुलाई को रहेगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से 14 जुलाई को भी कम दबाव क्षेत्र का निर्माण जो है धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी पर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस दौरान पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा फिलहाल अगर मूसलाधार बारिश की बात करें या अति भारी बारिश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घाट वाला क्षेत्र आपको नजर आ रहा है गुजरात के सूरत से लेकर आप देखिए मुंबई, महाराष्ट्र, इसके अलावा नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और आप देखिए गोवा और कोंकण गोवा का रीजन, साथ साथ केरल, कर्नाटक का तटीय इलाका, यहाँ पर हाई टाइड और मूसलाधार बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रफ एक्टिव होगी जिससे कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी बीच उम्मीद है कि दिल्ली पर भी बारिश का प्रभाव रहेगा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश होगी, राजस्थान में हाल फिलहाल मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है, खंड वर्षा होने की संभावना में नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव रहेगा। 15 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 15 जुलाई को कंडीशन बदल रही है, परिस्थितियां चेंज हो रही है, हालांकि राजस्थान के लिए परिस्थितियां वही है सूखे के हालात। राजस्थान के एक बड़े हिस्से में आगामी समय में आप देख सकते हैं कि सूखे के हालात निर्मित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अभी से आप तैयार रहिए क्योंकि यहाँ पर उचित सिंचाई का प्रबंध करना पड़ सकता है क्योंकि फसलों को पानी की आवश्यकता यहाँ पर रह सकती है। इसके अलावा बारिश की बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के अधिकांश इलाकों में, मध्य भारत में अगर बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की, तो तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर विडंबना बनी रहेगी क्योंकि यहाँ पर बारिश को लेकर फिलहाल ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। उज्जैन धार तक बारिश होगी, उसके बाद नीमच, मंदसौर, रतलाम में सूखे के हालात निर्मित हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी बारिश को लेकर अभी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पर अच्छी बारिश हो सकती है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी अच्छी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और दक्षिण भारत पर तो लगातार मूसलाधार बारिश का प्रभाव जारी रहेगा। 16 जुलाई की स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार मध्य भारत में बढ़ेगी क्योंकि मॉनसून की ट्रफ तो हिमालय इलाकों पर है, यानी कि गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है, लेकिन इसी बीच मध्य भारत पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी का कम दबाव का क्षेत्र किस तरह से आप देखिए कि भारी बारिश देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के इलाकों में, विदर्भ में, कोंकण गोवा में मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और यहाँ पर आम जनजीवन सुनिश्चित है कि पूरी तरह से बिगड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश यातायात प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसे में यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी बदल सकती है, बाढ़ के हालात भी कुछ जगहों पर विकसित होते हुए आपको नजर आ सकते हैं ज़्यादा बारिश के चलते। इसके अलावा फिलहाल मध्य प्रदेश के और तमाम जो उत्तरी इलाके हैं तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत पर तो मॉनसून एक्टिव रहेगा ही,
साथ ही साथ बारिश का प्रभाव आप देख सकते हैं कि लगभग जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर भी नजर आएगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में तो जमकर बारिश होगी, लेकिन हाँ विडंबना अभी राजस्थान के लिए रहेगी, कुछ पंजाब हरियाणा के कुछ दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए भी विडंबना यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। और बारिश को लेकर अभी फिलहाल ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा 17 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 17 जुलाई को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में मूसलाधार बारिश देता हुआ नजर आएगा। और उम्मीद है कि इसके चलते एक बड़े क्षेत्र में भीषण बारिश होगी और आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली पर भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा उत्तराखंड पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो यहाँ पर आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में कंडीशन बदलेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी हवाएं पहुंचेगी, तो उम्मीद है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जिसमें भीलवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा और तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहां पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। जयपुर में भी बारिश को लेकर उम्मीदें हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां राजस्थान के लिए बदल सकती है। तो 18 जुलाई को आप देख सकते हैं कि इस तरह से बंगाल की खाड़ी का सिस्टम और एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलपमेंट हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र मध्य महाराष्ट्र के ऊपर है। इसके अलावा एक नया सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। तो इन दो दो कम दबाव क्षेत्र के चलते उम्मीद यह है कि बारिश की गतिविधियां देश के एक बड़े हिस्से पर काफी ज्यादा होगी। मध्य महाराष्ट्र में, विदर्भ में, कोंकण, गोवा और मुंबई महाराष्ट्र पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र के लिए अगर देखा जाए तो लगातार मूसलाधार बारिश और आम जनजीवन प्रभावित करने वाली बारिश यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भारी बारिश की संभावना है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। हालांकि अब धीरे धीरे राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होगी। उत्तरी पंजाब के इलाकों में और हरियाणा के भी तमाम इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम करवट लेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत पर जारी रहेगी और बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश देगा, तो यहां पर भी परिस्थितियां बदलेगी। 19 जुलाई की स्थिति की बात करें, 19 जुलाई को आप देखिए कि जैसा कि उम्मीद और संभावना थी, बंगाल की खाड़ी से आने वाला ताकतवर सिस्टम एक कम दबाव का क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा एक कम दबाव का क्षेत्र पहले से ही अब धीरे धीरे दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका और संभावना में नजर आ रही है। जिस बारिश को लेकर यहाँ पर इंतजार था, वो बारिश का इंतजार खत्म होगा और यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। यानी कि 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में आपको राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारिश को लेकर इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, फिर से बारिश को लेकर एक नई संभावना बनेगी, एक उम्मीद बनेगी और उम्मीद है कि 19 तारीख से बारिश का नया प्रभाव यहाँ पर आपको नजर आएगा और मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और बारिश में जो कमी थी यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके अलावा इस बीच उम्मीद है कि 19 को बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों पर होगी। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होगा और बाढ़ के हालात बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विदर्भ, कोंकण, गोवा और तमाम जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, तेलंगाना, तमिलनाडु का, यहाँ पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम जगहों पर रहेगी। दिल्ली पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव और प्रदर्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी जैसलमेर और चूरू, बीकानेर में बारिश को लेकर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि नमी की हवाएं पहुंचेगी, बादल बनना शुरू होंगे, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली तमाम हवाएं जो है राजस्थान पर पहुंचना शुरू हो जाएगी, जिससे बारिश का एक नया दौर शुरू होता हुआ हमें नजर आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले 10 दिन क्या हालात रहेंगे बारिश को लेकर आपने जाना। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।